न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से। ज्वालापुर कोतवाली में किन्नर समाज ने हंगामा किया, वहीं भू माफिया नवाब अब्बासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा किन्नरों ने राहत की सांस ली है। जिस मकान में किन्नर समाज ज्वालापुर क्षेत्र में रहता है और क्या कहें उसमें रहता है, तो इसने 39 लाख 30 हजार की क्या कहें बेनामा करा लिया और हमारी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जे करते फर्जी तरीके से कराया है और हम उसको नहीं मानते। अनारो हमारा हिजड़ा था, अनारो भी हिजड़ा था, उसके बाद गुड्डी आई वो भी हिजड़ा था, और उसके बाद मुस्कान आई वो भी हिजड़ा था, और अब प्रॉपर्टी पे रीना उर्फ गुजरी हिजड़ा का भी जय मकान बना हुआ है। हमारा सब कुछ है, हमारे पास पानी का बिल, बिजली का बिल, क्या कहें हॉस्ट टैक्स, ये वो सब चीज़ हमारे पास हैं। और फर्जी फुर्सीदा को खड़ी करके हमारे किन्नर समाज में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। और कोई भी बहन हमारे किन्नरों की, मेरी भी कोई बहन है, कोई भाई है जो मेरी प्रॉपर्टी का कोई हकदार होगा, मेरे मरने के बाद मेरे किन्नर समाज की जितनी प्रॉपर्टी है जिस गद्दी पे किन्नर समाज काबिज करेगा, उस गद्दी का वारिस, उस प्रॉपर्टी का वारिस, माल धन का वारिस जो भी कुछ होगा वो किन्नर समाज का ही होगा। ये जो कब्रिस्तान के मामला गया था, किसने वो कब्रिस्तान का एक मोहल्ले में है, उनका कब्रिस्तान इसने बेचा, कोई कनीज है, कौन है, कैसे इसरार है, इधर उधर बोल लिथुआनिया। अरे उसको बुलाओ, करवाता है, परेशान करता है लोगों को, ये तो भू माफिया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है, उनके हम बहुत शुक्रिया। नाम मोनिका है, मैं रीना गुरुजी जी की शिष्या हूँ। पिछले 5 या 6 साल से इसने हमारी गुरुजी को बहुत परेशान किया हुआ है और इसने फर्जी तरीके से एक हिब्बानामा बनवाया जो कि कहीं भी वैलिड नहीं होता है, और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं। और हमारी जो गद्दी है, हमारी गद्दी समाज जो है वो अपने ही किन्नर समाज को उस गद्दी पे काबिज करता है, तो हमारी प्रॉपर्टी इसके पास कैसे जाएगी? अगर हमारी कोई बहन है या मम्मी पापा कोई भी है, वो हमारी प्रॉपर्टी के कोई भी हकदार नहीं होते। हम जो अगर अपनी मर्जी से उन्हें हाथ से देना चाहे वो दे सकते, बाकी वो हमारी गद्दी के हकदार नहीं होते। और सेकंडली ये कह रहा है कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, उसने अपने एडवोकेट वाले कार्ड भी छपवाए हैं, इसकी फेसबुक आईडी में एडवोकेट नाम से हर चीज़ से आप चेक कर सकते हैं, आगे जाके चेंज कर सकते हैं। हर किसी को यही बताता है इसने हमारे साथ बहुत गलत किया। जमीन तुम्हारी थी वो? नहीं, जमीन मेरी नहीं थी, मेरे भैया। तो तुमने फर्जी करी जमीन को? फर्जी करवा रखे ना, फर्जी कागज दिखा। तुमसे करवाई इसने? हाँ, मेरे से। पैसे दिए? पैसे दिए ना, 10,000 रुपए। कब किया था उसने? अब तभी 7 साल की बात है। जमीन ये देखो, ना ही है वकील है, ना ही है वकील, किसने पढ़ाई पढ़ी? अरे हाँ, ये भी एग्री कर रहे थे हम उसकी, तुमने कुर्सी दा से ली, मैंने कुर्सी दा ली। अब ये बता रहे हैं हमने परंपरा उसमें हमारे पास आई है, विधि अगर परंपराओं को मानती है तो न्यायालय बताएगा, ये ब्लड रिलेशन है, मुस्लिम मिला बताएगा, तो किससे बात प्रॉपर्टी का। क्या नाम है इनका? क्या नाम आपका? मोहम्मद उस्मान अंसारी। अंसारी जी, जिस तरह से नवाब के ऊपर फ्रॉड का केस आ रहा है, तो आपके साथ क्या फ्रॉड किया? मेरा मकान इसने एक रसीदा नाम की है औरत, उसको जो 18 लाख रुपये में बेच रखा, और फर्जी हिबानामा बना रखा है इसने, फर्जी हिबानामा का कोई वैलिडिटी नहीं है, ना रजिस्टर्ड है वो, उसके आधार पर इसने रजिस्ट्री करी उसकी, और बार बार इसने नोटिस दिया हम कि कहना मकान खाली कर दो, आप किराएदार हो। तो कोई आपने मुकदमा दर्ज किया? हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो आज जैसे नवाब पकड़ा गया तो क्या मानते हैं कि अब इसे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए इसको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। सोनिया नाम है मेरा, गांव वाड़ा वाली की रहने वाली हूँ, जटवादपुर के पास की। तो वो ये मेरी आईडी बनवा रहा था, तो मैंने फिर अपने घर में जाके बताया कि मेरी आईडी ऐसे से बन रही है, तो मेरे घर वाले ने मना किया मुझे, ऐसे काम नहीं क्या करते बेटा, वो फर्जी काम करवा रहा है, अपनी आईडी वापस लेके आओ। तो फिर मैं इनसे अपनी फर्जी जो आईडी थी, जो मेरी मेन आईडी थी, वो इनसे लेके मैं अपने घर वापस जी। इसने नवाब ने किस तरह से फ्रॉड किया? आईडी बनवाई थी सोनी नाम से, ये इलाके के चक्कर में किला का दिलवा दूंगा, तुम्हें मांगने खाने का जरिया मिल जाएगा तुम्हें, और महीने पे मुझे 50,000 रुपये महीना देना। अब तक कितने पैसे आपसे हड़प चुका है? 3.5 लाख रुपये, डेढ़ मेरे, डेढ़ इससे भी ले रखे। आप बताओ जी, 50,000 इससे लिए, 50 मेरे से, 50 इससे, और 20,000 उसे दिए वकील को जी। नहीं, झूठे हमारे से हमें पता भी नहीं, और हमारे सिग्नेचर करके और झूठे प्रार्थना पत्र मांग देता है। हम पढ़ लिख के तो हम है नहीं, ठीक है, हम तो अनपढ़ है। ऐसे ऐसे